लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी की शुरुआत आज से कई वर्षों पहले हुई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा था। पाकिस्तानी सेना की जल्लाद वाहिनी घर घर से बुद्धिजीवियों को निकालकर मार रही थी और लूट रही थी औरतों की इज्जत। शेख मुजीबुर रहमान का बना हुआ मुक्ति वाहिनी लड़ रहा था इन दरिंदों के साथ। वातावरण में फैली हुई थी बारूद की बदबू। जान बचाने के लिए अपने बने बनाए घर छोड़कर लोग भारत की ओर भाग रहे थे। बहुत ही भयानक था वो मंजर, जिसे आज भी सपनों में देखकर पसीना पसीना हो जाती हैं शांति देवी। ये क्या हो रहा है जी? लगता है ये सो रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि सारा शहर जानता है नया ब्लाइंड स्कूल ओपन करने के लिए मिनिस्टर साहब आए हैं। लेकिन अपना ये विजय साहब कब आएगा? बड़ी जोर का भूख लगा है, अपने पेट में चूहे है, कबड्डी खेलता है। अरे यार, तू जब भी मुंह खोलेगा खाने के लिए ही बोलेगा। आएगा भूखा कहीं का। अरे यार, ये भूखे का छोड़ो साथ और इस प्यासे की सुनो बात। सुनाइए जी। ये कब तक हम लोग ये कुएं के पास आकर प्यासे बैठे रहेंगे? मेरा दिल तो कर रहा है कि दो चार पियर कटाकट पी जाऊं। लो अब इनकी सुनो, एक बोतल तो पी नहीं सकता और कहता है दो चार बोतल पी जाऊंगा। कसम तुम चारों की, कुछ करके दिखाऊंगा। आज पूरी बोतल एक सांस में पी जाऊंगा।
अगर तू एक सांस में पूरी बोतल पी जाए तो तेरा बिल मैं पे करूंगी, वरना हम सब का बिल तू पे करेगा। डन 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 डन। अरे बिल्कुल पिएगा जी, देखो। अरे क्या पिएगा ये? बहुत मुश्किल है। अरे दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। दादा बियर की बोतल खोलो, खोलो। मान जा, अभी भी मान जा। तू नहीं पी सकेगा। अरे पिएगा जी, मेरे ख्याल से तो नहीं पी सकेगा। अरे यार पी जाएगा। अरे ये क्या, ये मजा आ गया। अगर इस वक्त मेरा गुरु यहाँ होता तो तेरी इस हरकत पर वो तेरी ऐसी हालत करता कि तू किसी भी जन्म में ऐसी हरकत करने के काबिल न रहता। अगर तेरे गुरु में अपुन जैसे महागुरु की इस हरकत को रोकने की ताकत होती तो यहाँ नहीं होता। एक तो तुम इसकी बियर पी गए, ऊपर से अकड़ रहे हो, तुम्हारी दादागिरी है क्या? वाओ, क्या रुबाब है, क्या शबाब है, तुम्हारा सवाल भी लाजवाब है। ये क्या बदतमीजी है? तमीज की देवी, अगर तुम चाहो तो इस बदतमीज को अपनी ब्यूटी का वाइन पिलाकर हमेशा के लिए तमीज सिखा सकती हो। यू लोफर? लोफर नहीं, लवर कहो, लवर। छेड़ो, छोड़ मेरा हाथ। कर बुरा तो होगा भला, अपन हाथ छोड़ने के लिए नहीं जकड़ने के लिए पकड़ता है। सुजात छोड़ दो उसका हाथ, नहीं तो इधर उधर क्या देखता है, सर झुका कर देख। मुझे हो तो छोटू लाल जैसी। क्या बोला बे तू? बच्चे से क्या लड़ता है, विजय को आने दे, वो तेरी ऐसी की तैसी कर देगा। अच्छा, अरे वो मामूली हवा का झोंका तो किसी दरख्त के पत्ते को भी नहीं हिला सकता क्या? वो आ जाएगा तो पता चलेगा, वो मामूली हवा का झोंका नहीं, तूफान है तूफान। नहीं है दुनिया में।
दिल का सौदा दिल से करते हैं, प्यार की छांव में पलते हैं, दिल का सौदा दिल से करते हैं, प्यार की छांव में पलते हैं। उसने इश्क के परवाने हमको इतना ही जाने, उसने इश्क के परवाने हमको इतना ही जाने। लफड़ा, शहर में आया है मिनिस्टर, यहाँ क्या हो रहा है सिस्टर? देखिए सर, उसके हाथ में चाकू है। चाकू? अच्छा, तो तुम चला रहे थे चाकू, लेकिन शक्ल से तो नहीं लगते हो डाकू। बता दो इस झगड़े के माने। चलो
ले चलो इन्हें पुलिस थाने। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। हमने नहीं किया है कोई लफड़ा। हाँ। देखिए सब इसी ने किया है झगड़ा। हम तो हैं दीवाने प्यार के। हाँ? और ये हैं दीवाने चाकू की धार के। अब आप ही फैसला कीजिए कौन चलेगा साथ थानेदार के। अरे वाह ये तो शायर निकला है। लड़का अच्छा ही होगा। क्या रे हाथ में चाकू लेके घूमता है। इंस्पेक्टर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि यह हाथ तुम्हारे ऊपर वाले तक पहुंचता है। चाइला इंस्पेक्टर लफड़े को देता है धमकी। तुला आत्मी दाखो तो जरा धमकी। चल आज का दिन याद रखूंगा विजय। दिन नहीं टोनी रात। 12 बज चुके हैं। तुझे घर आने की माँ कान छोड़ दे। माँ बहुत दर्द कर रहा है। माँ छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं ताकि हर शनिचर की रात को तू देर से घर आए और इतवार को सूरज चढ़ने तक सोता रहे। अच्छा माँ अब लेट नहीं आऊंगा। अब तो कान छोड़ दे। ये तो तू 100 बार कह चुका है। माँ आखिरी बार माँ कान छोड़ दे। मेरी प्यारी माँ गुड नाइट। माँ मेरी कल सवेरे प्रैक्टिस है। 5:30 बजे का अलार्म लगा देना। ठीक 5:30 बजे। So sweet. Thank you. Thank you? For what? आपने इसे जो बचा लिया। ये आपका है? जी नहीं, मैं तो यहाँ का सनराइज देखने के लिए ऊपर खड़ी थी। नीचे देखा तो रास्ते के बीच ही नजर आया। इसे बचाने के लिए नीचे दौड़ी तो देखा मुझसे पहले ही आप पहुंच चुके थे। आपने यहाँ का सनराइज पहले कभी नहीं देखा? क्यों, आप यहाँ की नहीं है? जी नहीं, मैं बांग्लादेश से आई हूँ। वेलकम टू इंडिया। वैसे मैं रोज इसी वक्त यहां से गुजरता हूं। बाय बाय। आ गए तू बेटे, बहुत देर कर दी तूने। चल। अरे टिकलू तू। जी। ये क्या है? साइकिल, विजय की साइकिल। एक्सीडेंट हो गया है क्या? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। विजय कहाँ है? आंटी बात ऐसी है कि मैं आपको समझाता हूँ।
आज सुबह साइकिल चलाते समय विजय किसी बात को लेकर बहुत खुश था। उसका दिल कहीं, उसकी नजर कहीं, और वो खुद कहीं, और साइकिल के दो टुकड़े यही मेरे कंधे पर, और उसके एक हाथ के दो टुकड़े प्लास्टर में, और बाकी सब ठीक है। तो विजय हॉस्पिटल में है? नहीं नहीं आंटी नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना सब ठीक है। और वैसे भी कॉलेज के कैप्टन को छोटी मोटी बातों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना शोभा नहीं देता। अच्छा? है ना। आइए कैप्टन साहब, आंटी के बाउंसर को मैंने संभाल लिया, अब आप जरा आगे आकर मैदान संभालिए। आइए आइए आइए। क्यों कप्तान साहब, एक ही हाथ तोड़ पाए? माँ मैंने तो दोनों तोड़ने की कोशिश की थी। अच्छा। क्या करूँ, कामयाब ही नहीं हुआ। मैं बनाऊँ तुझे कामयाब? ठहर जा। अरे माँ, मैं माँ, अरे अरे टिकू बचा, अरे माँ, तेरे मार खाने को मना किया है, अरे भागो। आंटी नहीं सुनिए, इसका दूसरा हाथ टूटे ना टूटे लेकिन मेरा कंधा जरूर टूट जाएगा आज। अरे टिकलू, तो फिर गधे की तरह इतना गधे का बोझ लेकर क्यों खड़ा है इतनी देर से? चल उतार और अंदर आ जा। हाँ गधे, इसको पहले क्यों नहीं उतारा? आज पहली बार मैंने यहाँ का सनराइज देखा, और जानते हैं उसी वक्त मुझे खरगोश मिला और उसके साथ एक दोस्त भी। अब वो क्या कर रहे होंगे? ओए, क्या हुआ तुझे? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? अबे मेरा नहीं तेरा, उस लड़की ने तेरे दिल पर अटैक किया है। ये तो तूने ठीक कहा। अच्छा बता, इस वक्त क्या कर रही होगी वो? वो इस वक्त क्या कर रही होगी? हाँ बता। वो, अरे आए वो। सोच के बताता हूँ। आज दिन कौन सा है? आज इतवार है। कल कॉलेज में मेरा पहला दिन है। जाता ही रहेगा कि कुछ बोलेगा भी। आई है फैशन परेड में, चलती है तन तन के। अयो, अरे सबके दिल पे गिर गई बिजली जब निकली बंधन के। अयो मो, देखो कॉलेज में एक लड़की आई है, शर्म है अभी देख के इसको शर्माई है। देखो देखो कॉलेज में एक लड़की आई है, शर्म है अभी देख के इसको शर्माई है। होंठ पे गाली, नाक पे गुस्सा, तन पे आधे कपड़े, छूने से मारे करंट, ये बात करो तो भड़के। चिकी चिकी बम बम, चिकी बम बम, चिकी चिकी बम बम, चिकी बम बम। होंठ पे गाली, नाक पे गुस्सा, तन पे आधे कपड़े, छूने से मारे करंट, ये बात करो तो भड़के। शर्त लगा लो इसकी, हाँ भी सिर्फ लड़ाई है, शर्म है अभी देख के इसको शर्माई है। अरे देखो देखो कॉलेज में एक लड़की आई है, शर्म है अभी देख के इसको शर्माई है।
से लगती है ये तो कितनी मगरूर, खुद को समझे है जैसे कोई जन्नत की हूर। अरे चाल ढाल से लगती है ये तो कितनी मगरूर, खुद को समझे है जैसे कोई जन्नत की हूर। कभी लगे ये हरी मिर्च कभी लगे मिठाई है, शर्म है अभी देख के इसको शर्माई है। देखो देखो कॉलेज में एक लड़की आई है, शर्म है अभी देख के इसको शर्माई है। बेचारा अंधा है। अंधा इस कॉलेज में? ये क्या हरकत है, तुम इसे मार क्यों रही हो? लगता है तुम भी इसकी तरह अंधे हो। माइंड योर लैंग्वेज मैडम। ओ तो आप अंधे नहीं लूले हैं, मगर कल तो जनाब का हाथ और जबान दोनों ही ठीक थे, तो तुम भी गिरती की तरह रंग बदलते हो। अरे अरे ये क्या कर रही हो, इस बेचारे के हाथ में फ्रैक्चर है। वाह ये अच्छा सलीका है एक न्यू एडमिशन लड़की की सिंपत्ति हासिल करने का। इस बेचारे का तो हाथ ही टूटा हुआ है और ये देखने वाला अंधा है, और अब तुम कहोगे कि तुम्हारी टांगे टूटी हुई हैं, क्यों है ना? देखो तुम हाथ से। यू शट अप, आई नो यू ऑल आर चीट्स। शर्मानी चाहिए तुम्हें एक शरीफ लड़की के साथ इस तरह का मजाक करते हुए। मजाक तो ये अपने आप में खुद बन गई है इस तरह के कपड़े पहनकर, शर्म तो इसे आनी चाहिए। विजय तुम इसकी तौहीन कर रहे हो। तौहीन? असलम भाई तौहीन तो इसने की है, अपने बड़े भाई जैसे इंसान की बैसाखी को लात मारकर। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, बात यह है कि विजय का जरा पैर स्लिप हो गया और इन दोनों की टक्कर हो गई, बाकी सब ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू पीपल। अब इसको क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? क्या बात है मधु, तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो मैडम, मैं क्या रो रही हूं? झूठ मत बोलो, बरामदे से मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी है। सच बताओ
क्या बात है? मैंने कहा ना, कुछ नहीं मैडम। तो तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? आंखों में कुछ चुभन सी है। आंखों में नहीं, दिल में कहो। घर की याद आ रही है? आपसे किसने कहा? मेरे अनुभव ने। लड़कियों का हॉस्टल चलाते चलाते जिंदगी का लंबा सफर तय कर चुकी हूं। हॉस्टल लाइफ में लड़कियों पर क्या गुजरती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। आपको ठेंगा मालूम है? मुझे सब मालूम है। तू माँ बाप की बहुत लाडली है ना? फिर वही धुन, वही आंसू। ये आंसू नहीं माया, ये तो मधु का प्यार है जो इन जलती आंखों को ठंडक पहुंचाता है। आप ही ने हॉस्टल भेजकर उसे अपने आप से जुदा किया है। मेरी मर्जी तो जरा भी नहीं थी, आप ही की जिद थी कि वो डॉक्टरी पढ़े। ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है माया। जरूर आपकी बेटी ने आपकी दिल की जलन महसूस की होगी, इसीलिए तो खत आया है। दोना। माय डियर मम्मी एंड पापा, देखा पहले तुम्हारा नाम लिखा है और तुम बेकार ही जलती हो। आगे पढ़ो ना। माय डियर मम्मी एंड पापा, आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल ना करें, मैं यहाँ खैरियत से पहुंच गई हूँ। मुझे हॉस्टल का रूम भी मिल गया है। आज पहली बार यहाँ का सनराइज देखा और जानते हो उसी वक्त मुझे एक खरगोश मिला और उसी के साथ एक दोस्त भी। अभी तक उसका नाम तो नहीं जान सकी मगर चेहरे से शरीफ है, सुहाट गाय। तो आपकी बेटी वहाँ कोई गलत कदम नहीं उठाएगी? हाँ हाँ, जैसे आप सब कुछ जानते हैं। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो जो भी कदम उठाएगी सोच समझ कर उठाएगी। कौन है बाहर? विजय, विजय देख तो शायद पोस्टमैन आया है। क्या बात है माँ, तुमने बुलाया? हाँ खत आया है। खत? माँ आज तो इतवार है। अरे हाँ, तो फिर खत कौन डाल गया? जरा देख तो बाहर। माँ बाहर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है तो फिर खत कौन डाल गया? क्या पता। अरे माँ ये तो मेरे नाम का है। तेरे नाम पे? किसने भेजा? मधु। मधु कौन है ये? होगी कोई पगली। हाथ टूटने से कॉलेज का कैप्टन हफ्ता भर कॉलेज नहीं आता, मैं पहली बार देख रही हूँ। खैर, आई एम सॉरी, ओके? मेरे ख्याल से आई एम इन लव। व्हाट अबाउट यू? लेटर के साथ एक बैच भेज रही हूँ।
अगर उसको लगा कर आओगे तो समझूंगी तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मधु, स्टूपिड, ये कोई तरीका होता चिट्ठी भेजने का? मां पढ़ लेती तो क्या होता? तेरा कान खींच कर कहती फौरन उसे यहां ले आओ। जरा मैं भी तो देखूं मेरे विजय के दिल पर विजय पाने वाली है कौन। मेरी प्यारी माँ, छोड़ो मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा जी। अरे भाई गिर जाएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं गिरेगा। गिर जाएगा। जाना इधर से जाना जी। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? मैंने तो असलम भाई से माफी भी मांग ली है। तुम मेरे घर क्यों आई थी? तो तुम इसलिए नाराज हो? देखो तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने साड़ी पहन ली, और एक तुम हो कि मेरे लिखने के बाद भी तुमने बैच नहीं लगाया। हमने तुमको अपना बनाया, दिल का कहा मान कर आंखों में हमने तुमको बसाया, दिल का कहा मान कर हमने तुमको अपना बनाया, दिल का कहा मान कर आंखों में हमने तुमको बसाया, दिल का कहा मान कर।
सताते रहे, प्यार तुमसे हो गया था अब तक छुपाते रहे। अंदर आ सकता हूं सर? आपको कौन रोक सकता है सर? क्लास को खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, आइए बैठिए सर, बैठिए। वाह मुझे सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? कम इन प्लीज एंड लिसन, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ओके अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि किडनी। Excuse me, sir. May I come in, sir? क्लास के खत्म होने के वक्त ही आपको क्लास की याद आई? Yes, sir. नहीं, 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 आप मेरा मतलब नहीं समझे सर। मैं समझ गया हूँ, मुझे और समझाने की कोशिश मत करो, आओ बैठो प्लीज। थैंक यू सर। मैं अंदर आऊं क्या साहेब? नो सर्टनली नॉट। भूख लगी, कुछ खाने को चलते हैं। वो देख जेल की चक्की के आटे में कुछ दम नहीं रहा। लोग बहुत दुबले नजर आ रहे हैं। देख लो ऑल योर टंग। अबे हिंदी में बोल, हिंदी में। अयो ये अंग्रेजी चश्मा पहनकर विलायती सपने देखेगा ना तो अपनी हिंदुस्तानी आंखें भी खो देगा। मुझे टोनी कहते हैं, टोनी बगैंजा। आपका नाम? मधु। मधु नाम है इसका। ओए, हाँ, ओए नहीं, रॉय। मधु रॉय। अब मैं चलूं या आपको कुछ और बताऊं? अच्छा फिर मिलते हैं। कर बुरा तो होगा भला, तू ठीक कहता है, इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? माँ के पास। माँ के पास? क्यों डर गई क्या? मैं डरती वरती नहीं हूँ। आज पांव ठंडे हो रहे और कहती है कि डरती नहीं।
ये तो गर्म है, देखो देखो। रे रे रे, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? गुदगुदी होती है। अरे रे, गिर पड़ूंगी। गिराने के लिए तो हिला रहा हूँ। घर चलो, माँ जी से शिकायत करूंगी। अच्छा, मेरी माँ मेरी बात सुनेगी या तुम्हारी? मेरी नहीं सुनेंगी, तुम्हें ठेंगा मालूम है। वो तो मुझे देखते ही कहेंगी ये तो चांद का टुकड़ा है। अरे, ये तो चांद का टुकड़ा है। ए माँ, बहुओं की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये लोग सास को अपने बच्चों की आया बना देती है। बच्चों की आया होने के लिए बेटे बच्चे होना जरूरी है, और बच्चे होने के लिए शादी होना जरूरी है। इसका मतलब तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। अरे नहीं माँ, मुझे कहाँ शादी करने की जल्दी है, मैं तो तेरे बारे में सोच रहा हूँ। सारा दिन तू काम काज करती रहती है, थक जाती है ना, तेरी हेल्प हो जाएगी। और ये झाड़ू बर्तन चूल्हा चक्की हर चीज में एक्सपर्ट है ना मधु? घर का काम काज करे इसके दुश्मन, ये तो डॉक्टर बनेगी डॉक्टर। अरे नहीं माँ, एक घर में दो डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो फिर एक काम करते, मैं डॉक्टरी पढ़ लेती हूँ, तुम कुछ और कर लो। क्यों, मैं क्यों कुछ और कर लूँ? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए मैं काफी दूर से स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ, और अगर आपको डॉक्टर बनने का ज्यादा शौक है तो आप गधा स्पेशलिस्ट बन जाओ। अपनी बात वापस ले लो मधु, नहीं तो सचू। ये लो बेटी। माँ इसे और टिकिया मत दो। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे नहीं, तुम्हें होगी, टिकिया खाने की आदत नहीं है ना। माफ कीजिए, ये मेरी फेवरेट डिश है, मेरे पापा इतनी टेस्टी टिकिया बनाते हैं, तुम देखोगे तो तुम्हारे मुंह में भी पानी आ जाएगा। देखूंगा तब मुंह से पानी टपकेगा ना। ठीक है, पापा से लिखकर पार्सल में मंगवा लेती हूँ। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? ट्यूशंस, घर में कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। क्या नाम है उनका? अविनाश। अविनाश, अविनाश क्या? माँ, मधु रॉय के पापा तो रॉय ही होंगे ना, अविनाश रॉय। हाँ तू ठीक कह रहा है, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। विजय, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलूं? मैं छोड़ाता हूँ तुमको। माँ, मैं मधु को छोड़कर आ रहा हूँ, चलो। एक बात पूछूं? पूछो। माँ जी अचानक उठकर क्यों चली गई? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है विजय? जब मैं एक साल का था, माँ की आंखों के सामने पिता की मौत हो गई। मुझे उनकी सूरत तो याद नहीं, लेकिन उनका एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और माँ उस सपने को अपनी हर खुशी कुर्बान करके पूरा कर रही है। तेरे होठों से टपका, पानी तेरे होठों से टपका, शराब हो गया। जुल्फों की भूल भुलैया में मेरा दिल खो गया। पानी तेरे होठों से टपका, शराब हो गया। जुल्फों की भूल भुलैया में मेरा दिल खो गया। देखा तूने प्यार से मुझको क्या कमाल हो गया, कभी ना हुआ था जो पहले वो हाल हो गया। दिल रुबा, दिल रुबा,
आंचल ये ढलका, भीगा भीगा आंचल ये ढलका, मैं बेचैन हो गया। कभी ना हुआ था जो पहले वो हाल हो गया। पानी तेरे होठों से टपका, शराब हो गया। जुल्फों की भूल भुलैया में मेरा दिल खो गया। क्यों? अंदर तक छोड़ देता हूँ ना। अरे बाबा, इतनी रात गए, अगर मैडम हमें इस हालत में देखेगी तो डांट पड़ेगी। अच्छा, हमारे लिए थोड़ी डांट नहीं खा सकती? गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। Thank you.
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दे विजय, मुझे छोड़ दे। टोनी, टोनी ने भेजा है मुझे। टोनी टोनी कहाँ है बे? मुझे नहीं मालूम। बोल टोनी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। साले गीदार छुपता कहाँ है? कहा था ना विजय कि मैं याद रखूंगा। हाँ, मैं अब भी नहीं भूला। अब तुझे कौन बचाएगा? तेरे ये प्यादे जो तेरे सहारे पे खड़े। और तू? हाँ विजय, फेंक दो चाकू। नहीं विजय नहीं, भूल गए अपनी मां की कुर्बानी, भूल गए अपने पिता का सपना। तुम्हें डॉक्टर बनना है विजय, और डॉक्टर का फर्ज होता है इंसान की जान बचाना, लेना नहीं। Thank you.
सॉरी। थैंक यू। क्या बात है? कुछ नहीं माँ, तू जाकर सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। जी नहीं, आप पहले बिस्तर पर आइए, मैं आपको सुलाकर ही जाऊंगी। फिर तो तुम्हें वही गाना सुनाना पड़ेगा माँ। मुझे मालूम है, चल सो जा। Thank you.
तैयार भी नहीं होने देते। ओह ताला, जल्दी करो जल्दी करो, जरा भी सब्र नहीं है। आ रही हूं ना, इंतजार नहीं कर सकते क्या? चाचू खड़ी रहो खड़ी रहो, धूप में खड़ी रहो, मैं भी तो वेट कर रहा हूं ना इतनी देर से। क्यों आ रहा है मजा? क्यों इंतजार करवाते हो फिर मुझे? चलो ओवर, आइंदा नहीं रुकूंगा इतना। मधु तुम्हें पता है तुम दिन ब दिन बॉम्बे मेल की तरह होती जा रही हो। वो कैसे? वो क्या है ना, बॉम्बे मेल कभी टाइम पर नहीं आती, हमेशा लेट आती है। जी नहीं, आप जल्दी आए। जी नहीं, आप लेट आई। नहीं, आप जल्दी आए। अरे क्या हुआ? टायर पंक्चर। मगर ये हुआ कैसे? तुम्हारे मोटापे की वजह से, और कैसे? क्या? हाँ और नहीं तो क्या, कद्दू की तरह फूलती जा रही हो तुम। हाँ हाँ, आपने अपने आप को कभी आईने में देखा है? ककड़ी की तरह होते जा रहे। अच्छा ये देखो, इसे क्या कहते हैं पता है? टफ गाय। मेरे टफ गाय? कॉलेज भी पहुंचना है, साइकिल को कंधे पर उठाइए और चलिए। हाँ चलो, कहो तो तुम्हें भी उठा लूं। नमाज के वक्त असलम भाई जहाँ कहीं भी हो नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। अच्छा ये तो बताओ, असलम भाई एक पैर से जीप कैसे चलाते हैं? अरे यही तो उनका कमाल है, बैसाखी से क्लच दबाते हैं। ये धुन तुमने कहाँ से सीखी? पापा से। बोल बताओ। पापा को सिर्फ धुन आती है, बोल नहीं। बोल मुझे आते हैं। तुमने कहाँ से सीखे? मेरी माँ से। क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। माँ मैं तो रोज ही खुश रहता हूँ। कॉफी पियोगी? ख्याल बुरा नहीं है। फिर तो मजा आएगा, मैं बनाता हूँ। तू बैठ, मैं बना कर लाती हूँ। अरे माँ तुम जानती हो तुम्हारे गीत की धुन मधु को भी आती है। कौन सा गीत? अरे वही माँ, सावन आया, पर मधु को उसके बोल नहीं आते। अरे माँ जी आप। क्या बात है, आज जल्दी कॉलेज जा रही हो? हाँ टेस्टर की क्लास जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन आप यहाँ? तेरे हाथ की कॉफी पीने चली आई। सच? चलिए अंदर चलिए। फिर तेरे कॉलेज का क्या होगा? पहला लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे कॉफी पिलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो है ही। आप आराम से बैठिए, मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ। कॉफी बाद में लाना, पहले बैठकर मेरे साथ दो बातें तो कर। वो क्या है ना माँ जी, गर्म कॉफी के साथ बातों का मजा भी ज्यादा आता है। आप बैठिए, मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ। दोनों एक जैसे हैं, कभी कोई चीज जगह पर नहीं रखेंगे। Thank you.
गर्मा गर्म। कहाँ गई? बात है माँ? माँ जी, माँ जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तुमसे कोई भूल नहीं हुई। फिर तुम इससे नाराज क्यों हो? मैं मधु से नाराज नहीं हूँ। माँ, तुम खुद मधु से मिलने हॉस्टल गई थी और बिना कॉफी पिए चली आई। हाँ क्यों? जवाब दो माँ। हर क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं है। जरूरी है माँ। इस क्यों का जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम दोनों नहीं मिलो। माँ जी, ये तुम क्या कह रही हो माँ? वही जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन क्यों, क्यों नहीं मिल सकते हम दोनों? मैंने कहा ना, हर क्यों का जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं। तुम्हें इस क्यों का भी जवाब देना पड़ेगा माँ। मैं जवाब दे चुकी हूँ माँ। तुम कोई भी जवाब दे दो और हम मान ले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें मानना होगा। अगर क्यों, क्या दोष है हमारा, कौन सा पाप किया है हमने, क्यों नहीं मिल सकते हम दोनों? क्या हमारा कसूर ये है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से? हाँ, यही कसूर है तुम्हारा। वाह माँ, वाह। अन्याय है ये, अन्याय है माँ। विजय, जब सच की गर्मी को तुम्हारे कान बर्दाश्त नहीं कर पाए तो हमारे दिल जुदाई की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे माँ? ठीक है, तुम दोनों 15 दिन की मोहलत मुझे दो। आज 16 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। लेकिन माँ, 22 दिसंबर को मधु का जन्मदिन है। ये मेरा हुक्म है और ये हुक्म उस बेटे के लिए जिसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। माँ ने भी तो कभी उस बेटे की ऐसी परीक्षा नहीं ली। अब लेना चाहती हूँ। हम ये परीक्षा नहीं देंगे माँ। विजय, माँ जी, हमें परीक्षा जरूर देंगे। मधु? हाँ विजय, कोई माँ अपने संतान की दुश्मन नहीं होती, वो तो भगवान का रूप होती हैं और भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनके अपने होते हैं। माजी, माजी आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद 31 दिसंबर तक के 15 दिन हम दोनों के बीच आपका हुक्म एक दीवार बनकर रहेगा। मधु, 22 दिसंबर को तुम्हारा बर्थडे है। मगर ये मेरा आखिरी जन्मदिन तो नहीं होगा। माँ का आशीर्वाद रहा तो उसके बाद का हर जन्मदिन हम इसी घर में एक साथ मनाएंगे।
तुमने खाना खाने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे मुझे भूख नहीं है मैडम। क्यों, बाहर से खाना खाकर आई हो? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है कि किसी से झगड़ा हुआ है? अरे किसी से झगड़ा करके कोई खाना खाना छोड़ता है क्या? पगली, जाकर देख, तू जिसके लिए खाना खाना छोड़ रही है वो पेट भर खाना खा रहा होगा। नहीं मैडम, मुझे मालूम है आज रात मेरी वजह से एक नहीं दो दो जाने भूखी रहेंगी। कितनी बार कह चुका हूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तेरे खाना न खाने से वो हो जाएगा जो तू चाहता है। विजय, मैं माँ हूं तेरी, तेरे दिल का हाल अच्छी तरह जानती हूं। जरा सोच, लड़का होकर तू इतना टूट जाएगा। मधु लड़की है, वो बेचारी तो बिखर कर रह जाएगी। देखती हूँ मियाँ, क्यों टांगों को तकलीफ देते हो? साइकिल पीछे रखो और जीप में आके बैठ जाओ। आ जाओ। हाँ, वही रखो। अरे संभालना संभालना भैया, मेरे टमाटरों को संभालना। क्या बात है विजय, चुप क्यों? शांति बहन तो ठीक है ना? ठीक है। तो फिर क्या, रघु या टिकलू से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो? तो फिर ये मजनू से क्या हालत बना रखी है, कहीं मधु से अनबन तो नहीं हो गई? समझ गया, इसलिए तुम आज अकेले ही कॉलेज जा रहे हो। देखो मियां, जब तक प्यार में तकरार ना हो इकरार का मजा नहीं आता। ये ले, तेरा प्यार जा रहा है, अभी खबर लेता हूं इसकी। हाँ मधु, कहां जा रही हो? मधु आओ गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं असलम भाई, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। कमाल है, मंजिल एक और आहे दो। अरे भाई, असलम भाई के होते हुए तुम पैदल जाओगी? गुस्सा छोड़ो और जीप से नाता जोड़ो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ। असलम भाई, वो जीप में नहीं आएगी। क्यों, है कोई बात? आप चलिए, मैं बताता हूं। असलम भाई, आप और यहाँ क्या बात है? जी हाँ, आपसे एक जरूरी काम था। तो आइए ना, अंदर आइए। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। हवा क्यों चलती है? सांस लेने के लिए। दिया क्यों जलता है? असलम भाई, जो कहना है साफ साफ कहिए। प्यार एक महक है, एक आंधी है, तूफान है, और इस तूफान से टकराने वाला सबसे बड़ा नादान है। मैं पूछता हूं कि विजय और मधु के प्यार के बीच चट्टान बनने की नादानी आपने क्यों की?
पाबंदी अगर लगानी है तो उस खुदा पर लगाइए जिसने इंसानों के दिलों में प्यार का बीज बोकर मोहब्बत का पैगाम दिया है। पहरा लगाना है तो उस भगवान पर लगाइए जिसने अपने वेद शास्त्रों में प्रेम पथ पर चलने का आदेश दिया है। अरे बहन जी, प्यार के दीवानों को तो रब भी झुककर सलाम करता है, फरिश्ते भी सजदा करते हैं, जमीन आसमान सलामी दे के मुबारकबाद देते हैं। मैं कहता हूं कि तोड़ दीजिए उन जंजीरों को, उन दीवारों को जो आपने विजय और मधु के प्यार के बीच खड़ी करती हैं। ये दीवारें, ये जंजीरें मधु और विजय के पैरों की बेड़िया नहीं, मेरे जीवन की बेड़िया बन गई है। ये पहरा एक ऐसी दीमक है जो मेरा चैन, मेरा सुख सब कुछ खाए जा रही है। अब तो ऐसा लग रहा है असलम भाई, जिसे मैं खुद अपने अरमानों की अर्थी अपने कंधों पर लिए घूम रही हूँ। ये आपकी गलत फहमी है बहन जी, जिंदा लाशें तो आपने उन दोनों को बना दिया है। नहीं असलम भाई, नहीं। तो बोलिए, वो कौन सी मजबूरी है जिसने आपको अपने अरमानों की अर्थी उठाने पर मजबूर कर दिया है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? ये राज जानने के लिए आपको एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? ये राज आप विजय और मधु को कभी नहीं बताएंगे। बहन जी, एक मुसलमान आपसे वादा करता है, वो अपने जिस्म से अपनी जान निकाल कर दे सकता है, खून का एक एक कतरा निचोड़ कर दे सकता है, मगर वादा तोड़ने का कुफ्र नहीं कर सकता। बोलिए बहन जी, क्या राज है? आज से 21 साल पहले जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा था, मैं अपने पति अविनाश चैटर्जी और बेटे विजय के साथ अपनी जान हथेली पर लिए एक नदी के पास आई। चलो उठो, आगे बढ़े। नहीं, उससे और नहीं चला जाएगा। बस और थोड़ा, ये नदी पार करने से इंडिया। अब मेरा हाथ पकड़ो। वो देखो, नदी के भंवर ने मेरी मां का सिंदूर छीन लिया। विजय के पिताजी चाहते थे कि विजय डॉक्टर बने, उनके अधूरे सपनों को साकार करने की मैंने पूरी कोशिश की, और जब फिर विजय की जिंदगी में मधु आई तो उन दोनों का प्यार देखकर मेरे दुखी दिल को राहत मिल गई। उस दिन जब मधु से मिलने मैं उसके हॉस्टल गई तो उसके टेबल पर मैंने मधु के पिता की तस्वीर देखी। वो तस्वीर मेरे पति अविनाश चैटर्जी की थी। नहीं नहीं बहन जी, खुदा के लिए एक बार कह दीजिए कि ये झूठ है, झूठ है ये। नहीं असलम भाई, ये वो कड़वा सच है जिसने मेरी आंखों में शक का जहर खोल दिया है। या अल्लाह, ये सुनने से पहले मेरा कलेजा फट क्यों नहीं गया? कयामत से पहले कयामत क्यों नहीं आ गई? या अल्लाह, मैंने तुझसे अपनी सपाहिश टांग की, कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई दुआ नहीं मांगी। आज इस अपाहिश टांग के सदके में मेरी दुआ कबूल कर ले। इस कड़वे सच को झूठ बना दे मेरे मौला, झूठ बना दे इसे। सच क्या है और झूठ क्या है, यही जानने के लिए तो मैं इन दोनों से 15 दिन की मोहलत लेकर बांग्लादेश जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सच्चाई कुछ और ही होगी। भरोसा है मुझे खुदा पर, वो मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा।
दिनों के लिए है सनम दूरियां ये जुदाई मोहब्बत का है इंतहा ये जुदाई मोहब्बत का है इंतहा प्यार मजबूर है तुम वहां मैं यहां कुछ दिनों के लिए है सनम दूरियां ये जुदाई ये जुदाई मोहब्बत का है इंतहा ये जुदाई मोहब्बत का है इंतहा प्यार मजबूर है तुम वहां मैं यहां ये जुदाई मोहब्बत का है इंतहा ये जुदाई मोहब्बत का है इंतहा प्यार मजबूर है तुम वहां मैं यहां
जी कहिए। अविनाश जी यहाँ रहते हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिलने आई हूँ। आप बैठिए, आइए। आप यहाँ बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। बैठिए ना। आप उनके जिम? कौन है माया, किससे बात कर रही हो? आपसे मिलने कोई आई है। कौन है? शांति तुम? शांति? शांति? जी कहिए। आप? जी हाँ, मैं अविनाश हूँ। जी मैं, आपने मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप? मैं विजय की माँ हूँ। विजय? हमारी मधु का विजय? हाँ, आपकी मधु का भाई विजय, उसकी माँ हूँ मैं। भाई? मधु और विजय भाई बहन? ये आप क्या कह रही हैं? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में तो तब आता जब तुम्हारा पति तुम्हारे होते हुए किसी और का बन जाता। हाँ? और तुम्हारे दिल के अरमान चिता बनकर तुम्हारे सीने को फूंक डालते। वाकई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर आप चाहती क्या हैं? कौन हैं आप? मैं वो अभागन हूं भाग्य ने जिसकी मांग का सिंदूर नोचकर इसकी मांग में भर दिया है। मैं वो अभागन हूं जो आपके सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी गुजार रही हूं। तुमने पत्नी मुझे बनाया और पति का धर्म इसके साथ निभा रहे हो? माफ कीजिए, ये आप क्या कह रही हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफ तो मैं तुम्हें तब करूंगी जब भगवान को साक्षी मानकर तुम ये कहोगे कि इस अंगूठी से तुम अनजान हो और ये अंगूठी पहनाने वाली अपनी पत्नी शांति से भी अनजान हो। शांति? मेरी पत्नी शांति? तो तुम शांति हो? इनकी पत्नी? इनकी पत्नी तो अब तुम हो। नहीं बहन, अभी तुम ही इनकी पत्नी हो। तुम हमारा रिश्ता समझने में भूल कर रही हो। भूल? हाँ, जैसे तुम सदवा होकर भी विधवा की जिंदगी गुजारती रही, वैसे मैं विधवा होकर भी सदवा की जिंदगी गुजार रही हूं सिर्फ अपनी बेटी मधु के लिए। आज भी मैं वो दिन याद करती हूं तो मेरा रोम रोम कांप उठता है जब मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। वाह, पकड़ा अपने लिए,
और छोड़ दूं भगवान के लिए तो मेरा क्या होगा रे? खबरदार, अब तो मैं तुझे भगवान के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। बाढ़ आ गए कमीने, बाढ़ खाली है। मैं गोली मार दूंगा। तू क्या गोली मारेगा रे, तेरा तो हाथ कांप रहा है। सच कहता हूं, गोली चला दूंगा। चला सब बंदोबस्त कर दिया, तुम बच्चे को लेकर चलो, मैं इनको लाता हूं। चारों तरफ आग लगी हुई है, उठिए भाई साहब। शांति, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांति, शांति, चलिए
डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना, वो बच जाएंगे ना। देखिए बहन जी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं 24 घंटे से पहले आपके पति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और अगर वो बच भी गए तो क्या क्या हो सकता है डॉक्टर साहब, बताइए ना आप। हो सकता है वो अपनी याददाश्त खो बैठे। हाँ। और ये भी हो सकता है कि होश में आने पर आपके पति आपको भी ना पहचान सके। कुछ याद नहीं आ रहा। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कुछ तो बताइए आप। हाँ, जब आप बेहोश हो रहे थे ना, उस वक्त आप शांति शांति कहकर पुकार रहे थे। शांति? जी हाँ। कौन है ये शांति, पता नहीं। यही तो मैं पूछ रही हूँ आप क्यों। ये देखिए ये अंगूठी, शायद इसे देखकर आपको कुछ याद आ जाए। सोचिए सोचिए। अविनाश, आपका हर सवाल मेरे लिए अंधेरे के समान है। उसके बाद इस वैश्य दुनिया में मुझ बेसहारा औरत और मेरी मासूम बच्ची को इस देवता समान इंसान ने सहारा दिया। अगर मधु के पिता भी होते तो शायद वो इतना सब कुछ न कर पाते जो इन्होंने किया। इसका मतलब मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? मैं मधु और विजय के बीच ना मिलने की दीवार खड़ी करके आई हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मधु के कमरे में इनकी तस्वीर देखकर मुझे ये शक हो गया था कि मधु इनका अपना खून है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि विजय और मधु के बीच में खून का कोई रिश्ता नहीं है। अब रिश्ता होगा तो जीवन साथी का।
करता हूँ ना, है ना? एक लो। सुनो सुनो, आज विजय दिखाई नहीं दे रहा है। वो खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल गया। बेचारी मधु। मैं तो सिर्फ विजय की हाथों की जलन को महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। विजय, तेरा हाथ जलने की खबर सुनकर मधु ने अपना हाथ जला लिया है। क्या मधु, तुमने ऐसा क्यों किया? खामोश क्यों हो? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? विजय, तुम्हें इतनी रात को यहां नहीं आना चाहिए था। प्लीज प्लीज तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो मधु, इतनी रात के तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मधु। मैडम, इसे कहिए कि इसी वक्त यहां से चला जाए, वरना वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल मत बनो विजय, इस वक्त यहां से चले जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए ये गर्ल्स हॉस्टल है, चले जाओ यहां से। ठीक हो जाएगा, मैं देखती हूं। बेवकूफी है, मधु सो गई, जाओ तुम भी घर जाओ। तो तुम नहीं मानोगे? अब तो मैं आपके गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बैठा हूं ना। कैसी बातें करते हो, बारिश में भिगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। जाओ घर जाओ। मेरा क्या, मेरा जो फर्ज था मैंने कह दिया, अब तुम जाना और तुम्हारा काम। आजकल के लड़कों को कुछ कहना भी गुनाह है, कोई बात मानती ही नहीं है, बस अपनी जिद पे अड़ जाते हैं।
विजय घर चलो। विजय अपने आप को इस तरह सजा देकर तुम दुनिया को क्या बताना चाहते हो? मैं मधु से प्यार करता हूं असलम भाई। प्यार करते हो इस तरह? रात भर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बैठकर तुम यह साबित करना चाहते हो कि तुम मधु से प्यार करते हो? नहीं विजय नहीं, तुम दुनिया को यह बताना चाहते हो कि तुम वफादार हो और मधु बेवफा है। तुम उसे बदनाम करना चाहते हो, रुस्वा करना चाहते हो तुम। मैं उसे रुस्वा करूं या बदनाम, मधु मेरी है। आप कौन होते बीच में बोलने वाले? क्या रिश्ता है आपका और मेरा? क्या मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है? हाँ मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हक है आपको? अपनों ने आज बेगाने होने का एहसास दिला दिया ऐसा असलम भाई। असलम भाई रुक जाइए। असलम भाई अभी भी कोई कसर बाकी है क्या? मुझे माफ कर दो असलम भाई, प्यार ने मुझे दीवाना बना दिया था, पागल हो गया था मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अगले दीवानों को तो खुदा भी माफ करता है। चला जा बैठ जा। बड़ी मुश्किल से कल शाम की टिकट मिली है। कल शाम की यानी कि एयरपोर्ट से प्राइवेट टैक्सी करने के बावजूद भी हम लोग 31 दिसंबर तक घर नहीं पहुंच पाएंगे? फिर तो बहुत देर हो जाएगी। 31 दिसंबर हो या 1 जनवरी, एक ही दिन की तो बात है। ये तो और भी अच्छा हुआ, हम नए साल की सुबह नई खुशियों के साथ बच्चों से मिलेंगे। अरे आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। परेशानी की ही बात है क्योंकि मैं उन दोनों के बीच रेत का बांध खड़ा करके आई हूँ। तो क्या हुआ, हमारे जाते ही वो बांध शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएगा, यानी कि तुम्हारा बेटा मेरा बेटा होगा और मेरी बेटी तुम्हारी बहू। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। खुशी की बात तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि ये नया साल हम ऐसी महान हस्ती के साथ शुरू करने जा रहे हैं जिसकी सुरीली आवाज के न सिर्फ बच्चे दीवाने हैं बल्कि बूढ़े भी, नहीं न सिर्फ बूढ़े दीवाने हैं बल्कि बच्चे भी, जिनकी आवाज के हम सब दीवाने हैं। और उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उनकी आवाज सुनकर आप उन्हें पहचान लीजिए। जाने तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल। हम हैं दीवाने ये भी न जाने, हम हैं दीवाने
ना जाने तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है यहाँ प्यार के दो दीवाने बैठे हैं, इन पर पाबंदी थी न मिलने की, जो कुछ पलों बाद खत्म हो रही है। मधु और विजय को मैं मंच पर बुलाता हूँ, आइए इस मिलन की घड़ी को एक यादगार बनाएं। खिलते नहीं शबनम सितारे कलियां ये तितली होते न इतने हसी। मधु तुम ही गाओ ना। बनाएंगे हम तो ये प्यार के आशियाने, हम हैं दीवाने ये भी न जाने, हम हैं दीवाने ये भी न जाने, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल, तुमने चुराया मेरा दिल, बनाया मेरा दिल।
अब चल। बिजली की तबीयत बहुत उछलती है ना, हाँ? मैं आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू भी याद रखेगी। चल। टोनी, लगता है तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। बुरे लोगों का अंजाम तो बुरा होता है, लेकिन तेरा तो नया साल ही खराब निकला। लगा क्या? चलो। विजय, छोड़ो मत। नहीं विजय, तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। विजय, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी माजी से किए हुए वादे का आज आखिरी दिन था। तुम कामों का क्यों परेशान हो रही हो? क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ही नहीं कर सकती? ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? इसी दर्द की वजह से तो तुम आज फिर से मेरे इतने करीब आई हो। साचू, ओवर। नाराज हो गए क्या? साचू, बेल बजा रहा है। दूध वाला होगा। और कहीं हुआ तो? और कोई नहीं होगा, जाओ दूध ले लो। पेपर आया है, इसे कहाँ रखूं? ओफो, दो मुझे दे दो। पेपर लेके इसे भी अपने साथ भिगाओगे क्या? पेपर के साथ में तुम भी भीग जाओ ना। चल हट बेशरम। अच्छा जी, तो जनाब ने यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, हाँ? हाँ।
विजय मधु को लेकर मेरे पास आया था। बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की है, एक चांद और दूसरा चक्कर। आज विजय ने मधु के बारे में बताया कि जो गीत विजय के पिता गाया करते थे उसकी धुन मधु को भी मालूम है। इत्तेफाक की बात है कि वो धुन मधु कैसे जानती है? मैं जिस उलझन में थी वो आज एक तूफान बन गया है। मधु के पापा की तस्वीर देखकर आज मेरा शक यकीन में बदल गया है। वो उन्हीं की तस्वीर थी जिनकी मैं सुहागन होकर विधवा की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं जानती हूँ भगवान कि तू हर युग में इंसानों के साथ उनकी परीक्षा लेता रहा है, लेकिन जीवन साथी होने वाले विजय और मधु के साथ खून का रिश्ता जोड़कर ये कौन सा खेल खेल रहा है? मधु, मधु, अरे तुम यहां बैठी हो, मैंने तुम्हारे लिए सारा घर छान मारा। क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो? ये क्या, तुम मां की डायरी पढ़ रही थी? ये तुमने ठीक नहीं किया मधु, इसे पढ़ने की इजाजत तो मुझे भी नहीं है। पढ़ लेते तो अच्छा होता। क्यों? वो अनर्थ ना होता जो हम कर बैठे। अनर्थ? कैसा अनर्थ मधु? मधु, 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 मधु रुको, मधु सुनो तो। क्यों रोक दी? यहां देख। अब मैं विजय को बताऊंगा कि नया साल किसका खराब होता है, मेरा या उसका। टॉनी, कर बुरा तो होगा भला। सुरेश, गाड़ी पीछे ले। हाँ। हाय मधु, कहाँ जा रही हो? क्या बात है, बहुत मायूस लग रही हो। विजय ने कहीं ठुकरा तो नहीं दिया? स्वीटी, तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मधु टोनी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। राजू, तू विजय को जाकर खबर कर, मैं इधर देखता हूं। जय शाबाश। Thank you.
मेरा घर है। बहुत सुंदर है घर आपका। स्कूल की तरफ से मिला है। अच्छा। आइए। देखा कैसा लड़का है, हमेशा दरवाजा खुला छोड़कर जाता है। आइए ना विजय। विजय ये डायरी यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? लगता है विजय ने ये डायरी पढ़ ली। क्या लिखा है डायरी में? वही जो शक मेरे दिल में था। अब क्या होगा? माजी 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 आप आ गई। माजी यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? मधु को टोनी और सुरेश उठाकर ले गए। विजय भैया और असलम भाई उनके पीछे गए हैं। कहाँ? पुराने किले की तरफ। बुरा तो होगा भला।
भलाई करता है साला। हे मारो इसको। नहीं ये मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा। हराम सादे नमाजी को मारता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया तूने। तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। आज के बाद याद रखना, कर भला तो होगा भला। विजय, तू मधु को संभाल, इसकी खबर मैं लेता हूं। जा। ये क्या पागलपन है? प्लीज विजय, मुझे जाने दो। वहां कहां जा रही हो? अपनी भूल का प्रायश्चित करने। मर जाने दो मुझे। अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा के हकदार भी हम दोनों हैं, तुम अकेली नहीं। चलो। कहां? अपनी भूल का प्रायश्चित करने। तुम दोनों भाई बहन नहीं।
नहीं हो। डायरी में गलत लिखा था मैंने। मधु तुमने सुना? मधु मधु नहीं मधु अरे ये क्या करने जा रही थी तुम? सुना नहीं तुमने? हम दोनों के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं। अरे गलती हमसे नहीं उन लोगों से हुई थी, उन लोगों से। और तुम तो बस जान देने जा रही थी। तुम सच कह रहे हो विजय? हाँ मधु, माँ ने अभी अभी बताया। और तुम? बीच में से हट जाओ असलम भाई। नहीं विजय नहीं, इसे इसके गुनाहों की सजा कानून देगा। मैं इस हरामजादे को पुलिस के हवाले करूंगा। तुम जाओ मधु को अस्पताल ले जाओ। ओके सर। डॉक्टर साहब। हाँ घबराने की कोई बात नहीं, शी इज ऑल राइट। या अल्लाह, क्या हम मधु से मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? अभी नहीं, पेशेंट को बेड पर ट्रांसफर करने के बाद। लेकिन सब एक साथ नहीं, एक एक करके। हाँ मधु, आप लोग अभी तक यही हैं? अरे भाई मैंने स्टैचू उनसे कहा है, आपसे नहीं। अब तो हम दीवानों को अकेला छोड़ दो। हम हैं दीवाने ये भी न जाने, हम हैं दीवाने ये भी न जाने, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल। हम हैं दीवाने ये भी न जाने, हम हैं दीवाने ये भी न जाने, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल, तुमने चुराया मेरा दिल, अपना बनाया मेरा दिल।